गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के न्यूमेरिकल्स यूनिट वन के हैं और टॉपिक ये कवर किया हुआ है पिक्सल है, आस्पेक्ट रेशियो है और रिजोल्यूशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स में कराऊँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल मैं कवर कराऊंगा आपको, उसको समझाऊंगा भी। कुछ तो मैंने क्लास में भी करा दिए थे लेकिन क्लास में स्ट्रेंथ कम थी, बच्चे कुछ नहीं आए थे उस टाइम, तो ये लेक्चर मिल जाएगा उनको, वीडियो लेक्चर, उससे समझ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा, प्रॉपरली अच्छे से रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और न्यूमेरिकल्स तरफ आते हैं। इनके कॉन्सेप्ट थ्योरी में पीछे के लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ आपको और उसी थ्योरी बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता भी चलूँगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हाउ मैनी के बाइट्स डज अ फ्रेम बफर नीड इन अ 600x400 पिक्सल। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि हाउ मैनी के बाइट्स डज अ फ्रेम बफर नीड इन अ 600x400 पिक्सल्स। रिजोल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है, 600x400। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं, ये माना इसलिए है, अभी मैं बताता हूँ। सपोज वन पिक्सल कैन स्टोर एन बिट्स, बिकॉज साइज, जो फ्रेम बफर का साइज होता है वो हमारे पास क्या गिवन होता है। मैं थ्योरी में भी आपको बताया था कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रेम बफर का साइज़ हम लोग निकालते हैं ग्राफिक्स में, वो ऐसे निकालते हैं यहाँ पर, रिजोल्यूशन इनटू बिट्स पर पिक्सल। तो रिजोल्यूशन हमारे पास गिवन है 600x400। ये हम मान के चल रहे हैं कि एक पिक्सल कैन, वन पिक्सल कैन स्टोर एन बिट्स, तो ये तो हमने ले लिया है एन बिट। यहाँ पर 600x400 रिजोल्यूशन हमारे पास गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आता है एन बिट्स। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको आंसर जो निकालना है वो किलोबाइट्स में निकालना है, तो किलोबाइट्स में निकालना है। तो ये तो आपको बहुत छोटी क्लासेस में भी बताया गया होगा वहाँ पर कि एक 1 KB इज इक्वल टू, बड़ी छोटी सी बातें हैं आपको पता भी होंगी, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, तो 1 byte इज इक्वल टू 8 bit। हमने किलोबाइट में निकाल दिया, 1024 इंटू 8 से डिवाइड कर दिया और सिंपली कैलकुलेशन करके डिवाइड, सिंपल डिवीज़न करके हम लोग फाइनल आंसर ये निकाल लेते हैं, 29.30 N kilobyte। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था, यहाँ पर फ्रेम बफर का साइज़ हमसे पूछा गया था और हमारे पास रिजोल्यूशन गिवन था और हमने सिंपली यूजिंग फार्मूला हमने फ्रेम बफर का साइज़ निकाल लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल तरह हम लोग मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, आई होप कि एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप कर लेंगे ईजिली। अब हम न्यूमेरिकल टू की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टू हमारा क्या है कि कंप्यूट द साइज ऑफ 640 इंटू 480 इमेज एट 240 पिक्सल पर इंच। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये एग्जांपल्स मैं, जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का कोर सब्जेक्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि अगर न्यूमेरिकल समझ में है तो न्यूमेरिकल समझ में तभी होते हैं जब थ्योरी क्लियर होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल समझेंगे तो अब इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे तो थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता है, पहले थ्योरी हमको समझी जाती है तब हमको न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, अब जरा देखते हैं इसको, न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं, कंप्यूट द साइज ऑफ 640x480 इमेज एट 240 पिक्सल्स पर इंच। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमारे पास वो 480 गिवन है और 640 रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिजोल्यूशन, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास हाइट और ये हमारे पास विड्थ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर साइज ऑफ 640x480 इमेज एट 240 पिक्सल पर इंच, जो एक इंच 240 पिक्सल कवर करता है उसका साइज आपको निकालना। तो हम यहाँ पर एक इंच कितना कवर कर रहे हैं, यहाँ पर 240 पिक्सल्स। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 pixel इज कंटेन 1/240 इंच। तो अब
जाहिर सी बात है एक पिक्सल कंटेन कितना करेगा 1/240 इंच। दैट मीन्स कि जो हमारी विड्थ होगी, विड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास विड्थ कितनी है क्योंकि हमको पिक्सल फॉर्म में निकालना है यहाँ पर, तो इंच में निकालना है, सॉरी पिक्सल हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर गए 640 डिवाइडेड बाई 240 कर देंगे। इंच हाइट जब हम निकालेंगे तो हाइट में हम क्या करेंगे, 480 को 240 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम हमारे पास गिवन है बच्चों, फिर से एक बार ध्यान से जरा देख लीजिए क्वेश्चन में, हमारे पास ये गिवन है कि एक इंच कितना कवर कर रहा है 240 पिक्सल्स। दैट मीन्स कि हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो विड्थ होगी हमारे पास 640 को 240 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंचेस निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिटरी मेथड से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या किया, हाइट भी यहाँ पे सिंपली निकाल ली, अब टोटल साइज हम निकालने जा रहे हैं। टोटल साइज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू क्रॉस एच, जाहिर सी बात है एरिया आपको निकालना है, तो एरिया मतलब क्या, एरिया आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ के थ्रू हम लोग एरिया निकालते हैं, तो वही एरिया हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो डब्लू क्रॉस एच यहाँ पर क्या वैल्यू फिट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 5.33 इंच स्क्वायर। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। निमिकल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि निमिकल हमारे पास है क्या, कंप्यूट द रिजोल्यूशन ऑफ 2x2 इंच इमेज दैट हैज 512x512 पिक्सल। बहुत अच्छा एग्जांपल है, पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट का फिगर बना लेंगे, फिगर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, हमारे पास दे रखी है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 2x2 इंच का है। अच्छा, पिक्सल कितने कवर कर रही, 5.2x5.2 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या होता है, अब हमको कंप्यूट द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन निकालना है। रिजोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन मीन्स द नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट लेंथ। इसको तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि रिजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या, हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रखा है 2x2 इंच दे रखा है, पिक्सल्स हमारे पास ये दे रखे हैं, दैट मीन्स रिजोल्यूशन जब निकालेंगे आप तो रिजोल्यूशन क्या, 5.2 डिवाइडेड बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई 5.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 256 मल्टीप्लाई बाई 256 इज द आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हम रिजोल्यूशन कब निकालेंगे, जब हमारे ऑब्जेक्ट का साइज अगर हमारे पास दे रखा हो और पिक्सल्स हमारे पास उसके दे रखे हों, कितने पिक्सल कंटेन कर रहा है, और उस कंडीशन में यदि उसका रिजोल्यूशन निकालना होगा तो रिजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन डेफिनेशन हम सिंपली रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ। तो जैसा कि ये डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारे पास पिक्सल जो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली लेंथ और ब्रेथ को, और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल तरह हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे, अगर आप बीसीए के बाद भी फर्दर स्टडीज़ भी आप लोग करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा और यूनिट 1 की न्यूमेरिकल्स बहुत आगे भी आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे क्या है कि इफ़ एन इमेज हैज़ हाइट ऑफ 2 इंच एंड आस्पेक्ट रेशियो इज 1.5, कैलकुलेट इट्स विड्थ। अब हमको विड्थ निकालनी, सिंपल। तो किसी इमेज का आस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू विड्थ अपॉन हाइट, ये तो हम जानते हैं कि अगर किसी इमेज का आस्पेक्ट रेशियो निकालना होता है तो हम लोग निकालते कैसे हैं, विड्थ अपॉन हाइट से निकालते हैं, ये फार्मूला होता है किसी इमेज का आस्पेक्ट रेशियो निकालने का। तो हमने हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास आस्पेक्ट रेशियो गिवन है ऑलरेडी, हमारे पास हाइट उस इमेज की दे रखी है, सिंपल फार्मूला वैल्यू फिट किया और डब्ल्यू की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, बस और कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू फिट करनी है फॉर्मूले में। न्यूमेरिकल्स देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्राफिक्स में। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि है क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर अ 3x2 इंच इमेज एट रिजोल्यूशन ऑफ 300 पिक्सल पर इंच।
देखिएगा, एक इंच कितना कवर कर रहा है, 300 पिक्सल्स, ये हमारे पास गिवन है. क्या कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर अ 3x2 इंच इमेज, इमेज या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसका साइज कितना है, 3x2. अच्छा, एक चीज अब मैं बता दूं, बड़ा छोटी सी चीज है लेकिन ये आपको समझ क्लियर होनी चाहिए. जब 3x2 दे रखा होता है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा. इस 3 का मतलब क्या, ये हम निकालने होते हैं, इसको विड्थ बोलिए कुछ बोल लीजिए, और 2 जो होता है तो वो हमारी क्या होती है, हाइट होती है. बड़ी छोटी सी चीज है, आपको पता भी होगी लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, कभी भी गलतियां हो जाती हैं. 3x2, तो 3 ये 2 ये हमारा इंच इमेज एट रिजोल्यूशन ऑफ 300 पिक्सल्स पर इंच. एक इंच कितना कवर कर रहा है रिजोल्यूशन, 300 पिक्सल्स. तो अब देखिए हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं इसका, कि हमारे पास गिवन क्या है, 1 इंच इज इक्वल टू 300 पिक्सल्स. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं. तो अब यहां पर क्या कि 2 इंच कितना कवर करेगा, जाहिर सी बात है 2 इंटू 300 पिक्सल, यूनिटरी मेथड, 600 पिक्सल्स हो गया. 3 इंच कितना कवर करेगा, पिक्सल्स निकालने हैं हमको, इन द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है, इन द टर्म्स ऑफ पिक्सल. तो 3 इंच कितना कवर करेगा हमारा, 3 इंटू 300 पिक्सल्स, 900 पिक्सल्स हो गया. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स यदि हमको निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ ये समझ के कि आपको मल्टीप्लाई आता होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल तरह हम लोग मूव करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे यहाँ पर, कि ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रीसाइज अ 1024x768 इमेज टू वन दैट इज 640 पिक्सल विड्थ विद अ सेम एस्पेक्ट रेशियो, फाइंड इट्स हाइट. बहुत शानदार एग्जाम्पल है ये. चलिए देखते हैं इसको, कि इसमें क्या दे रखा है, कि हमारे पास सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, कि हमारे पास दे क्या रखा है, कि पहला जो इमेज दे रखा है जिसका जो रिजोल्यूशन है 1024x768, मतलब क्या कि 1024x768, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो तो आप निकाल लेंगे सिंपली फॉर्मूला, कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, विड्थ अपॉन हाइट, वैल्यू फिट की, तो आपने निकाल लिया. अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कि जो दूसरा इमेज है, दूसरे इमेज का उन्होंने क्या दे रखा है, दूसरे इमेज का हमारे पास विड्थ हमारे पास दे रखा है 640, और हमको ये फाइंड आउट करना है किस कंडीशन में, जब दोनों इमेज के एस्पेक्ट रेशियो हमारे पास सेम है, इट इज गिवन. तो हमने क्या किया, सिंपल AR1 इज इक्वल टू AR2, पहले वाले को AR1 माना था, दूसरे वाले इमेज के एस्पेक्ट रेशियो को AR2 मान लिया. सिंपली बेटा वैल्यू फिट कर दी हमने यहां पर, और x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ली. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है, कि हमको क्या करना है, किस कंडीशन में दो इमेज के एस्पेक्ट रेशियो इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर, और एक इमेज का रिजोल्यूशन दे रखा है, दूसरे इमेज की विड्थ दे रखी थी, हमको हाइट निकालनी है. सिंपली हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं था एग्जाम्पल में. मैं फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन था हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनकी हाइट निकालनी थी, फाइंड इट्स हाइट. हमने क्या किया, पहला फिगर बनाया, दूसरा फिगर बनाया, वैल्यू फिट की, और सिंपली हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वैल्यू फिट करके हमने क्या किया, यहाँ पर हाइट निकाल ली. तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके. अब हम लोग बच्चों जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ, एग्जाम्पल 7. ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और हमको सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये लगता है. देखिएगा कि इसमें एक एग्जाम्पल में देख क्या रखा है, कट ऑफ 5.2x5.2 सब इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ 800x600 इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्सल इन द लार्ज इमेज दैट इज एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्मॉल साइज. जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास है क्या एक्चुअली में, हमारे पास ये दे रखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही हम निकालते हैं, पहले गिवन क्या है यही समझ में आ जाना चाहिए, न्यूमेरिकल का या कोई भी प्रॉब्लम का मेन फंडा यही होता है कि जो चीज़ें पूछी जा रही हैं पहले वो हमको क्लियर हो जाएं कि एक्चुअली में हमसे पूछा क्या जा रहा है, तब तो हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर बेटा है क्या, कि यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है कि जो एक विंडो है, विंडो हमारे पास क्या, कि जो बड़ी विंडो है हमारे पास 800x600 की है,
अब वो कर क्या रहा है क्वेश्चन में, ये तो आपसे कह रहा है कि कट अ 512 इंटू 512 सब इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 800 इंटू 600 इमेज. तो 800 इंटू 600 इमेज, 800 इंटू 600 के सेंटर से हमने 512 का एक इमेज कट कर लिया. अब वो क्या है, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा, या कोई भी कॉर्नर आपको निकालना हो इसके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे. चलिए देखते हैं बेटा कि हम लोग करते कैसे हैं इस एग्जांपल को. यहाँ पर क्या, अब जाहिर सी बात है ये सेंटर है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया है डैश डैश लाइन, सेंटर से कट किया गया. तो ये पूरा 800 है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये सेंटर से यहाँ पर कट किया गया है तो ये पॉइंट क्या होगा, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. दैट मीन्स तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा. सेम हेयर, ये हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कि हमारे पास ये जो इमेज दे रखी जो सेंटर से कट सेंटर से बनाई गई कट करके बड़ी इमेज के, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 512 इंटू 512. तो अब अगर ये सेक्शन x है तो ये भी x होगा, 512 इंटू 512 है, स्क्वायर हो गया, जाहिर सी बात है आप जानते हैं ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ज्योमेट्री बोलती है x प्लस x इज इक्वल टू 512. 512 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 256. तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 256, मतलब ये जो आया है हमारे पास ये 256 आ गया. अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 400, ये हमारे पास हो गया 256. तो जाहिर सी बात है हमको इसका कॉर्नर निकालना है, तो उसके लिए यहाँ से पहले ये चला होगा, तो x एक्सिस पे ये कितना आ जाएगा, 400 से 256 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इतना यदि हमको निकालना है, ये गिवन है हमारे पास 400 और ये 256 गिवन है, तो 400 से 256 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद 144. सेम काम बेटा यहाँ पर करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम करेंगे, ये हमारे पास 300 है, ये हमारे पास 300 है, ये हमारे पास, ये जो सेक्शन है हमारे पास ये 256 है. जाहिर सी बात है जब ये होगा इसके ये 256 होंगे, तो ये भी 256 होगा, क्योंकि विंडो जो हमारी है जो सब इमेज काटी गई वो 512 इंटू 512 की है. तो ये हमारे पास इमेज कितनी हो जाएगी, ये भी हमारे पास 256 की हो जाएगी. तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 300 माइनस 256, तो हमारे पास जो ये सेक्शन आ जाएगा वो 44 आ जाएगा. अब इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो ओरिजिन से ये इतना गया, देन ये इतना गया, सिंपली ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 144, एक्स कॉमा वाई. तो एक्स कॉमा वाई तभी तो होगा ना जब ये ओरिजिन से यहाँ गया होगा, देन यहाँ से यहाँ गया होगा. तो हमने ये, हमको टारगेट हमारा ये था, ये निकालना था और ये डिस्टेंस निकालनी थी. अब इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल अज्यूम करिए कि आपको ये कॉर्नर निकालना हो, तो आप ये कॉर्नर कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये कॉर्नर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पर कि हमारे पास ये हमारे पास 400 दे रखा है, ये हमारे पास 256 है, जाहिर सी बात है अभी हम निकाल कर आए, तो 400. अब ये कॉर्नर निकालना मतलब यहां से इतना गया, देन उसके बाद इतना गया, तो हम इसको ऐड कर देंगे 400 प्लस 256 यानी 656. यहां पर 656.0 ऑन द एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और ये 44, तो इसके कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे 656.44. ये इसके कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास. इसी तरह हम चारों कॉर्नर निकाल सकते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, यहां पर फाइंड आउट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द रास्टर सिस्टम यूजिंग 8x10 इंच स्क्रीन एंड 100 पिक्सल पर इंच. तो अब यहां पर फाइंड आउट द एस्पेक्ट रेशियो, यू हैव टू फाइंड द एस्पेक्ट रेशियो.
तो aspect ratio हम जानते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं aspect ratio क्या होता है, width upon height, पीछे भी हमने देखा था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या 8 into 10 inch की screen है यहाँ पर, तो और 100 pixel, फिर वही बात आ जाती है कि 1 inch is equal to 100 pixel cover करता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 into 10 inch है, तो unitary method कितना हो जाएगा कि जब 1 inch 100 pixel का, तो 8 inch कितना हो जाएगा 8 into 100, 10 inch कितना हो जाएगा 10 into 100, very easy, वैल्यू फिट कर देंगे निकाल कर, सिंपली हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो का आ जाएगा कितना है 4:4:5। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सपोज आरजीबी रास्टर सिस्टम इज टू बी डिजाइन यूजिंग ऑन 8 inch into 10 inch स्क्रीन विद अ रिजोल्यूशन ऑफ 100 पिक्सल्स पर इंच ऑन ईच डायरेक्शन। If we want to store 6 bits per pixel in the frame buffer, how much storage do we need for the frame buffer? चलिए, बड़ा थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। Here resolution कितना given है 8 inch into 10 inch। First we convert it in the pixel, then now resolution कितना हो जाएगा 8 into 100 by 10 into 100। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि रिजोल्यूशन 100 पिक्सल पर इंच ये कवर कर रहा है। तो अब अभी पीछे एग्जांपल में मैं आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिटरी मेथड से, तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया पिक्सल में, निकाल लिया रिजोल्यूशन। अब ये गिवन है कि एक पिक्सल स्टोर करता है 6 बिट, ठीक है, ये गिवन है। तो साइज कितना हो जाएगा फ्रेम बफर का, अभी हम पीछे फॉर्मूला बहुत अच्छे से देख के आए हैं इसी लेक्चर में, पीछे क्वेश्चन में। तो 800 into 100 जो रिजोल्यूशन निकाला, अब यहाँ पर बिट में निकालना है, तो हमने क्या किया, एक पिक्सल कैन स्टोर 6 बिट, ये गिवन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया वही यूनिटरी मेथड, बाइट में कन्वर्ट कर दिया, चाहे तो आप कर सकते हैं बाइट में कन्वर्ट, 8 से डिवाइड कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का, यूनिट 1 का। अब हम लोग आ रहे हैं आगे, ये हमारा आखिरी एग्जांपल होगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि है क्या यहाँ पर, हाउ मच टाइम इज स्पेंट स्कैनिंग अक्रॉस ईच रो ऑफ पिक्सल्स ड्यूरिंग स्क्रीन रिफ्रेश ऑन अ रास्टर सिस्टम विद रिजोल्यूशन ऑफ 1280x1024 एंड अ रिफ्रेश रेट ऑफ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो चलिए करते हैं इस एग्जांपल को, बहुत ये भी सेम पीछे की तरह एग्जांपल है जैसा पीछे क्लास में मैंने आपको बताया है, अभी पीछे के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है क्या, हेयर रिजोल्यूशन हमारे पास कितना दे रखा है 1280x1024, ये दे रखा है, दैट मीन्स सिस्टम कंटेन 1024 स्कैन। ये जरा बहुत इसको ध्यान समझिएगा, ये फ्रेम बफर का रास्टर स्कैन सिस्टम का ये क्वेश्चन है।